हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिफ्यूजन करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्क्वायर ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरियर। तो पहले समझते हैं डिफ्यूजन करंट होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ, ये क्या कहता है कि फ्लो ऑफ कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। मतलब एक रीजन जिसमें हायर कंसंट्रेशन है और दूसरे रीजन में लोअर कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स या होल की, तो क्या करता है कि हायर से लोअर की ओर जाता है, उसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक पीएन जंक्शन का, ये पी और ये एन, इसमें क्या होता है होल्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा है होल्स का, तो ये क्या है इस तरफ की ओर जाएगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो ये क्या करता है इस तरफ जाता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है डिफ्यूजन करंट होता है। अब हम इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं नहीं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, मतलब यहाँ पे होल्स कंटिन्यू क्रिएट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ की ओर जाएगा पॉजिटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएगा, एक कंटिन्यू रोटेशन चालू रहेगा। तो हमें इस ये तो आंसर हमारा हो नहीं रहा डिफ्यूजन करंट के अकॉर्डिंग, ये तो हमारा ये नहीं बन रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तब हमारा डिफ्यूजन करंट क्रिएट हो रहा है या फिर इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई ही नहीं कर रहे तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं हो रही, मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ अ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर पे डिपेंड कर रहा है। अभी जैसे बताया जैसे यहाँ पे होल्स ज़्यादा हैं तो ये इस तरफ क्यों जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाता है तो इस तरफ जा रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, एटम ऑफ एन एलिमेंट इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, या फिर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक एटम में पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पे जीरो चार्ज बचता है, तो हमारा आंसर हो गया नो चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव डैश अवेलेबल फॉर कंडक्शन। एक रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या अवेलेबल होता है, जैसे पी है और एन है, अब यह रूम टेम्परेचर हुआ है तो इसमें होल्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल है नहीं और ना कि होल्स, तो हमारा क्या हुआ बोथ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अवेलेबल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रो कंडक्टर टेक प्लेस बाय, इसमें पूछा गया है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रो कंडक्टर, तो कंडक्शन किसके जरिए होता है, प्रोटॉन के जरिए नहीं, न्यूट्रॉन के जरिए नहीं, बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यह फॉर्मूला ही देखिए, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, क्यू हो गया हमारा चार्ज कैरियर चार्ज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट रूम टेम्परेचर एन टाइप मटेरियल विल हैव, जैसे अभी बनाया था मैंने पी और एन, एन टाइप मटेरियल में जैसे पी टाइप में क्या होता है होल्स होता है, अब सिर्फ होल्स तो होता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ होते हैं, सिमिलरली इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं,
तो हमसे पूछा गया कि एन टाइप मटेरियल में क्या होता है ज़्यादा। फर्स्ट वाला आंसर ही देख रही है, मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, होल्स तो बहुत ही कम है, और इक्वल नंबर, इक्वल तो हैगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ ईजी टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड बाय थर्मल एनर्जी इन अ केस ऑफ कार्बन। तो पहले ही मना है क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जर्मेनियम, जर्मेनियम को ब्रेक करने के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होता है, और सिलिकॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्या क्या कह रहा है, ईजी टू ब्रेक, ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, तो वो होता है जर्मेनियम। आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग बैलेंस वेट इन अ सॉलिड। ठीक है, ये हमारा बैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इनमें से, इट मे बी एम्प्टी इन अ सॉलिड बॉडी। अब हम जानते हैं कि अब सॉलिड में कुछ भी एम्प्टी नहीं होगा, वैलेंस बैंड, इसमें कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स तो होंगे ही, और इसमें भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो ही होगा, अगर अनबायस्ड मतलब एक तरह के सॉलिड है, कोई प्रोसेस नहीं चालू है, तो मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर अवेलेबल है, होल्स यहीं पर अवेलेबल है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये एम्प्टी होगा। तो ये हमारा आंसर गलत है। ठीक है, मतलब हम इसे, हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब ये इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब आंसर हमारा एक तरह का ये हुआ, मे बी हाइस्ट, हाँ हो सकता है हाइस्ट ऑक्यूपाई बैंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, होल्स ज़्यादा हो सकते हैं। पार्शियली फील्ड मतलब कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या मिला, ए। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यू देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।